मौजूद है मेरे पापा के सेट पे और मेरे पापा फिल्म की शूटिंग चल रही है और इस दौरान यहाँ पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। तो इस शूटिंग के दौरान कितनी क्या मस्ती है और क्या कुछ है इन सभी को जानने के लिए आज हम सेट पर पहुँचे हैं। तो सेट पे जिस तरह से आप देख सकते हैं पूरी टीम यहाँ हमारे साथ नज़र आ रही है, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। आकांक्षा जी, मेरे पापा फिल्म की शूटिंग चल रही है, क्या है मेरे पापा? मेरे पापा में सब कुछ बस मेरे पापा ही हैं और ये एक बाप और बेटी के बीच की जो इमोशंस होते हैं उनकी एक स्टोरी है। मैं सबसे पहले अपने पापा को बुलाना चाहूँगी, बहुत इधर उधर घूम रहे, पापा जल्दी आओ इधर। ये मेरे पापा हैं, भाई इसका पापा हो, ये मेरे पापा हैं। और मैं पूरी पिक्चर में अवधेश जी के साथ में अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हूँ। मैं बहुत इमोशनल हूँ अपने डैड को लेकर के, सॉरी कुछ हिंदी मिस्टेक हुई हो तो। तो अवधेश जी, पापा और बेटी की पूरी मस्ती चल रही है सेट पे? हाँ, शॉट के बाहर मस्ती चलती है और शॉट में हम लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं क्योंकि सिनेमा थोड़ा सीरियस है तो इसलिए शॉट में सीरियस रहना पड़ता है, लेकिन बहुत रियलिस्टिक रहते हैं हम लोग, नहीं बहुत नेचुरल जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ऑफ स्क्रीन भी आप देखिए, मुझे हाँ, बेटी वाला प्यार देते हैं खूब सारा, बेटा मैं, मैं, मैं मेरी एक हरकत से इसको बहुत तकलीफ होती है। शेयर करना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये चाहती है कि बटन यहाँ तक लगा के डीप नेक की शर्ट्स पहनते हैं जो मैं उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाती हूँ एज एन बेटी, मुझे नहीं अच्छा लगता। फैमिली फिल्म बना रहे हैं, हाँ, फैमिली फिल्म बना रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता एज एन बेटी। जी आदित्य, आप आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगी, आप कौन से कैरेक्टर मेरे पापा में थे? जी ये फिल्म है मेरे पापा और ये जो है ये मेरे पापा नहीं है इस फिल्म में, तो ये इनके पापा हैं और मैं फिर ये ट्राई कर रहे हैं पापा को ससुर बनाने का। ट्राई कर रहे हैं, सक्सेस भी हो जाता है। तो मतलब आप अवधेश जी को ससुर जी के रूप में ज्यादा पसंद कर रहे हैं? इनको हर रूप में हम लोग पसंद करते हैं। कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, बहुत ही इमोशनल फिल्म बन रही है एंड इस फिल्म में सभी किरदार बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं ये कहूँगा कि इस फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है और आई थिंक एक बार आप फिल्म देखना शुरू करेंगे तो जब तक फिल्म ख़त्म नहीं होगा तब तक आपके टिश्यू पेपर के बॉक्सेस और आपके रुमाल गीले हो जाएंगे। और ये जो बॉबी जी हैं, बॉबी जी ये हमारे प्रोड्यूसर सर हैं एंड ये बहुत अच्छी पहल है कि आप एक मैं कहूँगा कि एक तरह का ट्राई कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में और एक बहुत ही अच्छा और सफल ट्राई कर रहे हैं ऑलरेडी, मैं बता दे रहा हूँ। बॉबी जी या और जब मुझे इन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनाई थी तो लिटरली मैं सुनते सुनते मैं रो दिया था। अवधेश जी बता रहे थे कि वो रो दिए थे, तो आई थिंक जब सुनने में हम लोग रो दिए थे और जिस तरह से आई थिंक कल ही हमारी बात हुई थी और एक सीन जिसमें मैं नहीं था उसका जिक्र कर रहे थे बॉबी जी और इन्होंने बताया कि बहुत ज़बरदस्त सीन हुआ है। तो आई एम रेस्ट अश्योर्ड कि इस फिल्म के सारे किरदार जितने भी एक्टर्स इस फिल्म से जुड़े हैं अपना 100% दे रहे हैं एंड वी आर मेकिंग अ वेरी गुड फिल्म। मैं इसके बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैंने खुद ही एक फिल्म बनाई है जो लिखी भी और डायरेक्ट भी की, बाबुल। बाबुल नो डाउट वो डार्क सिनेमा है, रियलिस्टिक सिनेमा है, ये थोड़ा ब्राइटनेस भी है बट इसके अंदर जो डेप्थ है ना वो शायद बाबुल में है, बट मुझे वो कहीं बनस्पत उससे बहुत ही अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया कथानक, बहुत अच्छे संगीत हैं और नो डाउट बॉबी सिंह जी बहुत अच्छा इसको निर्देशित भी कर रहे हैं। और हम लोग का सौभाग्य देखिए, इतने हमारे अनुभवी कैमरामैन डांडा साहब हम लोग के बीच में हैं,
तो ये वो क्या होता है ना कि राग रसोई पगड़ी कभी कभी बन जाए, तो ये सिनेमा के साथ भी वही होता है। कुछ प्लान करके लोग सोचता है कि अच्छा करेंगे, लेकिन बुरा हो जाता है। अनप्लैंड चीज़ें कभी कभी बहुत अच्छी हो जाती है। वो शायद बहुत उलझनों के बाद, बहुत डेट एक्सटेंड होने के बाद बहुत सारी समस्याएं आई होंगी इंटरनली डायरेक्टर प्रोड्यूसरों के बीच में, लेकिन आफ्टर ऑल ये फिल्म तकरीबन अब समापन के कगार पे है क्या। और ये हमारे डीओपी दादा हैं अनिल दांडा सर, इन्होंने इतनी सारी बड़ी बड़ी हीरोइन और हीरो के साथ में काम किया है। नाम ये तो हम बताओ। अनिल दांडा सर, और ये तो हमारा सौभाग्य है। इनके साथ काम किया है, अब आप बताइए। आप सारी किसके साथ नहीं किया? आई थिंक ओनली देवानंद एंड शाहरुख खान, बाकी सबके साथ किया। लेकिन यहाँ सेट पे आपका बहुत खौफ भी नजर आ रहा है। ये देखो ये खौफ है, कैसे पकड़ा हुआ है मुझे। लेकिन ये सिनेमा का कल्चर है, ये खौफ नहीं है। सिनेमा शॉट के पहले आप क्या मस्ती सिनेमा डिसिप्लिन कमी है हमारे भोजपुरी। ऐसा कोई नाम नहीं है जिनके साथ आपने काम नहीं किया, लेकिन आज जो सेट पर आप आदित्य जी, मतलब भोजपुरी और बॉलीवुड टीवी शो का जो मिक्सअप देखने को मिल रहा है, कैसा है? आई हैव डन भोजपुरी पिक्चर जल्दी, और आल्सो बॉबी जी के साथ 3 पिक्चर की है मैंने। यस 5 पिक्चर बताओ। इनके साथ काम करते करते पता ही नहीं चलता कि कब 3 पिक्चर है 5 पिक्चर हो जाती है। मतलब बेनिफिट है यहाँ पे काम करते हुए बॉबी जी के। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैं अनिल सर की तारीफ करते हुए ये कहूँगा कि हम लोग बहुत लकी हैं कि अनिल सर के साथ काम करने का मौका मिला, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना कुछ इनसे सीखना चाहें, क्योंकि इनके पास जो एक्सपीरियंस है इतने साल इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का, तो वो हम लोग उस एक्सपीरियंस को जीना चाहेंगे। और अनिल जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ना आपको देवानंद की कमी महसूस होगी और ना ही शाहरुख का। नहीं नहीं, अब आपको बहुत डिटेल बॉबी तमाम कलाकारों के बारे में, फिल्म के बारे में ज़्यादा बताएं। बॉबी जी, मेरे पापा, कहीं ना कहीं इसका टाइटल ही सुन के मेरे पापा, पापा पे पूरी डिपेंड है फिल्म। क्या इसके रियल बेस, अगर मैं कहूँ क्या रियल बेस स्टोरी होगी? एक तरह से रियली है। आज तक जितने भी स्टोरी बनती है सिर्फ माँ के ऊपर बनती है। ये बात सही है कि माँ घर को संभालती है, वो घर की दीवार है, लेकिन बाप छत है, और दीवार के ऊपर जो है ना पुचाड़े हो जाते हैं, लेकिन छत के ऊपर पुचाड़े नहीं होते, और वो वैसे ही गंदे रहते हैं। वही हमारी फिल्म है। इस फिल्म के माध्यम से पापा और बेटी के प्यार को किस तरह दर्शा रहे हैं बॉबी? ये बाप बेटी का एक बहुत लगाव है, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि मैं अपने बाप के जैसा बनूं। मेरा भी बेटा है, मुझसे पूछता है पापा मैं आपके जैसा बनूं। आप कितना घुटता है, और जब बच्चे को एहसास होता है कि मेरा बाप घुट रहा है, तो उसके लिए क्या साथ में खड़ी रहती है, उसके साथ में चलती है, ये सब है। तो मेरे पापा फिल्म के माध्यम से जो पर्दे पर एक पापा और बेटी के प्यार को आपने दर्शाने के आगे आए हैं, आप किस तरह से टीम तैयार की गई, और किस तरह से सेट पे क्या कुछ माहौल है, और कितनी शूटिंग हो चुकी है फिल्म की? फिल्म की शूटिंग तो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा कम्प्लीट हो चुकी है, और बस गाने सिर्फ बाकी हैं, और बहुत जल्द थिएटर में भी आ जाएगी। ये फिल्म बैठे बैठे सडनली आ गया, क्योंकि मेरे पास भी एक स्टोरी आई थी, तो बोला चलो यार इसके ऊपर बनाया जाए। तो मेरा एक दोस्त है, उसके साथ में शेयर किया कि भाई चल हम लोग पिक्चर बनाते हैं, और क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर ये हैं विवेक जी, इन्होंने मुझे बहुत पहले 2 फिल्मों के लिए साइन किया हुआ था, तो वो किसी रीज़न से वो फिल्म नहीं अभी स्टार्ट हुई, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया, ये सब कुछ आ गया, तो मैं कुछ और भी प्लान किया हुआ था, तो मैंने लगा कि क्यों नहीं ये फिल्म को ही जो है ना आगे बढ़ाया जाए। तो फिर इनको भी अच्छा लगा कि नहीं नहीं भाई करते हैं। फिर इतने में आकांक्षा जी मिली, तो मैंने लगा कि भाई इनको ही लिया जाए। तो इन्होंने भी काफ़ी दिनों से बोले कि मैं एक्टिंग से थोड़ी सी दूर हो गई हूँ, बोला नहीं नहीं करो बहुत अच्छा है। इन्होंने भी ये भी जो है ना हमारे साथ में टीम में जुड़ गई। फिर हुआ कि बाप को कैसे, तो फिर और कौन होगा, बहुत लोगों को देखा, और देखने के बाद में अवधेश मिश्रा जी जुड़े। मैंने उनके साथ में पहले मिलके अकेले बैठा, तो पार्टी करते हैं,
और पार्टी करते करते जो है ना ये उनको स्टोरी सुनाई, स्टोरी सुनाने के बाद में वहीं पे वो रोने लगे। मतलब ये फिल्म जो है ना मैं करूँगा, कभी भी होगा मैं ऑन द मैं करूँगा, कुछ भी डेट्स होंगे क्योंकि बहुत बिजी आज के डेट में हिंदी फिल्में में भी। और मैंने दो चार बार डेट इनका कैंसिल कर दिया, भी गुस्से हो जाते कि मैं। स्टोरी सुनने के बाद अवधेश जी ने तुरंत हम भरी या फिर बनाना पड़ा उन्हें? नहीं, उन्होंने ऑन द स्पॉट बोला कि ये फिल्म कब स्टार्ट करनी है, आप पहले डेट बता दो तो मैं उस हिसाब से अपने आप को खाली और खाली रखूँगा अपने आप को, लेकिन ये फिल्म मैं ही करूँगा। क्या लग रहा है दर्शकों को ये जो फिल्म की स्टोरी है जो पर्दे पे आपने उतारी है, फिल्म कितनी अच्छी लगेगी और डिफरेंट और क्या कुछ अलग लेकर आ रहे हैं आप पर्दे पर? फिल्म मुझे तो लगता है कि सारे लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि जिस तरह से हमारे एक्टर हैं सबने अपने घर पे स्क्रिप्ट लेकर गए। पहले तो विश्वास नहीं करते थे कि यार कोई स्टोरी पढ़कर रो सकता है, जैसे हमारे हीरो हैं आदित्य जी, तो उनको मैंने जब स्टोरी सुनाई, मैंने दो फिल्मों के लिए स्टोरी सुना रहा था, तो एक तो सुना ही नहीं इन्होंने, वो बोले कि मैं जा रहा हूँ कल मैं आता हूँ। दूसरे दिन आकर उन्होंने बोला कि मैं इसलिए नहीं सुना क्योंकि मैं बहुत रो रहा था, इसके लिए मैं ऑफिस से भाग गया। तो मैंने किसी और के साथ में शेयर किया कि भाई ऐसा ऐसा हीरो ने बोला, तो वो बोला यार कौन ऐसा स्टोरी होगा कि रोएगा कौन, तो वो भी बोला कि मैं भी पढ़ूंगा, तो वो तो पढ़ा ही, उसकी वाइफ ने भी फ़ोन किया कि रियली मैं भी रोने लगी। तो इसी तरह जो है इस तरह की मुझे लगता है कि पब्लिक भी रोएगी अगर पढ़ने के बाद। हमारे फिल्म के जो म्यूजिक हैं, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है लाल सिन्हा जी, तो वो हमारी फिल्म में कुछ ऐसा ही म्यूजिक है, म्यूजिक के बारे में ये बताएंगे। जो सबसे फिल्म में अभी तक जो सुनने को मिला है कि दर्शकों को थिएटर से रुलाकर भेजने की पूरी तैयारी आपकी टीम ने कर रखी है, तो इसमें म्यूजिक किस तरह से आपने? मेरा नाम लाल सिन्हा है और मेरी पहली भोजपुरी फिल्म थी ससुरा बड़ा पैसे वाला, तो मैंने मनोज तिवारी जी की लगभग सारी फिल्में मैंने की है, दामाद जी, मंगलसूत्र, धरती पुत्र और दामाद जी, इस तरह से करके। तो इन सब फिल्मों का जो म्यूज़िक होता था ना वो थोड़ा सा डांसिंग और नॉर्मल टाइप का, जो ऐसा चलता है भोजपुरी का, पवन सिंह वगैरह, बट इस फिल्म के जो गाने थे वो भी जितने सिचुएशंस बता रहे सब मेरे दिमाग से बाहर जा रहा था, कि कोई सिचुएशन गेस क्वेश्चन जो मैच नहीं हो रहा था, ऐसे ऐसे गाने थे। खैर फिर भी लेकिन अच्छे अच्छे राइटरों ने, मतलब गीतकारों ने, जैसे विनय बिहारी जी ने लिखा और सब लोगों ने लिरिक्स बहुत अच्छे से तैयार कर दिए। तो इस फिल्म में कुल 7 गाने हैं, जिसे 4 गानों को उदित नारायण जी ने आवाज़ दी है और एक गाना अनूप जलोटा जी भजन सम्राट उनकी आवाज़ में है, और बाकी फिर फीमेल सिंगर्स हैं, सब अच्छे हैं। मूवी मतलब इमोशनल एक मूवी है, बेटी और पापा के प्यार को जहाँ दर्शा रहे हैं, तो इमोशनल के साथ सॉन्ग का चयन करना कितना मुश्किल रहा, उस गाने को लिखना इस फिल्म के? वही बता रहा हूँ, इस फिल्म के जो गाने हैं ना वो मतलब ऐसे तो सारे लोग बोलते हैं कि सब गाने अलग है, लेकिन इसमें थोड़े टफ टाइप के गाने थे। दूसरा हमारी फिल्म में अनीता राव जी हैं, तो अनीता जी आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगी, आप किस किरदार को प्ले कर रही हैं इस फिल्म में? मैं जो किरदार प्ले कर रही हूँ, हम लोगों ने एक फिल्म करी थी विवाह, जिसमें आकांक्षा मेरी बेटी बनी थी और विवाह फर्स्ट बहुत हिट हुई थी वो फिल्म, तो उसमें मैं इसकी माँ बनी थी और अभी मैं माँ ही हूँ पर चाची माँ हूँ। और मेरे ख्याल से जितना सपोर्टिव कैरेक्टर मैंने हमेशा शायद इनके साथ बहुत सपोर्ट पाया है फिल्मों में, और इस फिल्म में भी ये मेरा सपोर्ट सिस्टम है, ऑल द थ्रू स्टोरी ये मेरा सपोर्ट सिस्टम है, और ये मेरी चाची का रोल प्ले कर रही हैं एंड मतलब माँ दूसरी है लेकिन मैं माँ ही हूँ जितनी भी हाँ। शेयर करती हूँ। तो आकांक्षा जी आप हमेशा हंसने वाली लड़कियों में से देखी जाती है, तो फिल्म इतना इमोशनल बना दिया गया है, तो रोना कितना मुश्किल हो रहा है आपके लिए? हाँ एक्चुअली जैसे सब बोलते हैं कि वो फिल्म सुन के रोने लगे, बट पता नहीं क्यों मुझे रोना नहीं आता है, मैं सिर्फ ऑन स्क्रीन ही रोती हूँ। बहुत रोती है क्योंकि हाँ। विवाह में भी नहीं, विवाह में नहीं रोई मैं, फिल्म में डायरेक्टर ने इन्हें रुलाने का ही वो रखा पूरा हाँ। पूरा मतलब मैं एक्चुअल लाइफ में ना रोती हूँ ना इतनी सोफिस्टिकेटेड हूँ वैसा है, मुझे ऐसा लगता है। और डायरेक्टर की बात करें, डायरेक्टर का किस तरह से आपकी उनकी ट्यूनिंग है, कितनी डांट पड़ रही है? बहुत मस्त ट्यूनिंग है, डांट वाट तो खैर नहीं पाते हैं वो मुझे डायरेक्टर काम के लिए डांटते नहीं। एक्चुअली हम लोगों की मेरी डायरेक्टर के साथ केमिस्ट्री ऐसी है कि वो जो कहना चाहते हैं मैं उसे समझती भी हूँ, फील भी करती हूँ, और मेरे ख्याल से डायरेक्टर ही बताएंगे अब मैं परफॉर्म कैसा कर रही हूँ। तो जिस तरह से अभी हम सेट पे देख रहे हैं अवधेश जी भी काफ़ी मस्ती के मूड में नज़र आते हैं जैसे ही शॉट खत्म होता है, तो क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा सेट पे कौन परेशान कर रहा है बॉबी जी को? बॉबी जी परेशान इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसी फिल्म इमोशनल फिल्म बन रही है ना कि वह हर दम इमोशनल ही रहता हूँ। मतलब तो आपकी टीम आपको हंसाने का काम कर रही है? अरे मैं रोता ही रह रहा हूँ कभी कभी के कारण के दूसरे
कभी बेटी रुला देती, कभी चाची रुला देती, कभी बाप रुला देता। सबसे पहले तो ये रुला दिया भाई साहब, म्यूजिक डायरेक्टर ने रुला दिया। अभी अभी इनकी बारी है, तो ये भी अभी देखते हैं ये कितना रुलाते हैं। अवधेश जी, आप पे रुलाने का किस तरह से आरोप लग रहा है, क्या कर रहे हैं आप सेट पे? रोग देखिए, पहले डराता था विलन बन के, अब रुलाता हूँ। इनके बारे में मैं बताती हूँ भाई, ये जो मेरे डैड का रोल प्ले कर रहे हैं ना, ये इतना परेशान करते, कहते ग्लिसरीन लेने से मुझे इल्जाम लग जाएगा और बड़ा प्रॉब्लम होता है, एलर्जी है इनको ग्लिसरीन लेने से। रोना तो ठीक है, अब रोना पड़ता है, अब बेचारे करे तो क्या करे, रियलिस्टिक एक्टर है, अब रोना तो है। तो बेसिकली इनको भी बहुत रुलाया जाता है जबरदस्ती। अब रो हर सीन में, ग्लिसरीन लेना नहीं, मैं तो आर्टिफिशियल रो लेती हूँ। अब ये हर सीन में एक्चुअली रोते हैं, फिर एक्टिंग करते हैं, फिर इनका मूड खराब रहता है सारा टाइम। नहीं अभिनय मतलब मेरी जो परिभाषा है वो मेरी कोई लिखित परिभाषा नहीं है, यही है कि जिस परफॉर्मेंस में, जिस डायलॉग्स को बोलने में लगे कि एफर्ट लगाना पड़ रहा है, मतलब समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, कुछ गलत हो रहा है। एफर्टलेस एक्टिंग मेरी पहली प्राथमिकता होती है। अब ग्लिसरीन लगाने के बाद एफर्ट लगाना पड़ता है कि अब रो रहा हूँ, तो वो मैं एफर्ट ना रोने में लगाता हूँ ना हंसने में लगाता हूँ, स्वतः आ जाता है। आ जाता है इसलिए कि वो कैरेक्टर मेरे जहन में होता है। दूसरी बात कि मैं बहुत कोमल हृदय का नाजुक आदमी हूँ, ममत्व बहुत है मेरे में, दया बहुत है। तो आकांक्षा और आदित्य जी के साथ किस तरह की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है? अरे ये बहुत नॉटी नॉटी लड़का है, ये बहुत नॉटी है। एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में अच्छा भी हीरो है और बहुत अच्छे हीरो है वो, और हम लोग मस्ती भी कर रहे हैं आराम से। और भी स्टार कास्ट भोजपुरी में सिर्फ 3 लोगों के ही नाम जिस तरह से घुसते, क्या लगता है और भी ऐसे नाम है जो पर भोजपुरी में सुपरस्टार है? पहले स्टार तो हम लोग बन जाएं, कोई भी स्टार तो बन जाए, सुपरस्टार तो बहुत दूर की बात है। हाँ, बहुत दूर की बात है। स्टार मतलब स्टार जो हमारा ट्राई नहीं है स्टार बनने के लिए, हम अच्छे एक्टर बन जाएं भाई, बहुत कलाकार पहले बने नहीं, स्टार की बात, और स्टार ही नहीं सुपरस्टार की बात, स्टार पहले सुपरस्टार तो पब्लिक बनाएगी हमें। प्रथम अपना काम कर प्रथम कलाकार बन ले सब लोग, और यहाँ तमाम लोग कलाकार हैं, चाहे ये हों या मैं, मालूम नहीं मुझे, मेरी बात मैं नहीं करूँगा। आदित्य हैं, अनीता जी हैं, मैं ये बोल सकती हूं अनीता जी और इनकी केमिस्ट्री इस फिल्म में ना, चाची भतीजी की बहुत अद्भुत केमिस्ट्री है। मेरे पापा सेट पे लोग काफी मस्ती के साथ काम भी कर रहे हैं, और जिस तरह से मेरे पापा जो फिल्म है वो फिल्म की जो कहानी है बहुत इमोशनल है, और इनका कहना है कि थिएटर में आने वाले दर्शकों को रो कर शायद इस फिल्म को देखने के बाद निकलेंगे। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।